दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सिविल डिफेंस कार वार्डन के साथ पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था कर ली गई है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक करके पर्व को सकुशल संपन्न कराई जाएगी। अराजक तत्व पर विशेष नजर रखा जा रहा है। पूजा कमेटियों से वार्ता की गई है। उन्होंने लोगों से शांति एवं सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। इस संबंध में पुलिस की तैयारियों के बारे में बताते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, इसको लेकर लगातार हम लोग की तैयारी चल रही है। सभी थानों पर जो पीस कमेटी है, सिविल डिफेंस है, डिजिटल वॉलंटियर्स है, इनकी मीटिंग की गई है। जो पूर्व में विवाद आए हैं और जो वर्तमान में विवाद है उनकी समीक्षा की गई है। उसके ऊपर आवश्यकता अनुरूप जो है निरोधात्मक कार्रवाई की गई। लगातार हम लोग का प्रयास ये है कि अधिकारी भी भ्रमणशील रहें, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वाद विवाद की स्थिति हो। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो शाम को पंडाल हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग होना इत्यादि सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने आयोजकों से भी वार्ता की है, जहाँ पर वो अपनी सुविधा अनुसार सीसीटीवी लगा सकते हैं वहाँ पर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए बताया है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक के रूट डाइवर्जन से खासतौर से 17-18-19 तारीख के आसपास जो रहेंगे उसके लिए तैयारी कर ली गई। पुलिस लाइन से अतिरिक्त QRT बाहर से हम लोग को अतिरिक्त PAC मिली है, उनका डिप्लॉयमेंट जो देहात के एरियाज हैं, जो दूरस्थ एरियाज हैं वहाँ पर भी स्ट्रैटेजिक रूप से पहले से पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ताकि आकस्मिक स्थिति के अंदर किसी भी कारण से वहाँ पर तत्काल पुलिस बल पहुँच जाए। जो रूट हैं जहाँ पर जुलूस निकलना है वहाँ का भ्रमण कर लिया गया है, उसके लिए निरंतर समीक्षा की जा रही है। पीस कमेटी इत्यादि की मीटिंग में जो भी बिंदु आए हैं उनका भी निस्तारण किया जा रहा है, और हमें आशा है पूरे अच्छे माहौल के अंदर और जनता से भी हम अपील करते हैं बहुत ही शांति और सहावत के अंदर इस आने वाले पावन पर्व को मनाएं। दुर्गा पूजा समितियों के जो सदस्य हैं अध्यक्ष हैं उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर जो है इस त्यौहार को मनाएं, और पुलिस प्रशासन से जो भी अपेक्षा है उसको बताएं, और जो भी हम लोग से अपेक्षा है उसमें एक सामंजस्य स्थापित करके त्यौहार को मनाएं।